ये हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 का साइंस बुक हम लोग देख रहे हैं, और इसमें हम लोग देख रहे हैं चैप्टर, ये 8 चैप्टर हम लोग देख रहे थे। एक कौन सा चैप्टर हम लोग देख रहे थे इसका, हम लोग यहाँ पे देखते हैं 8 चैप्टर हम लोग ये देख रहे हैं। ये चैप्टर 8 चैप्टर है, इसका नाम है विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन, क्लास 7 का है ये। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं अभी डिफरेंट एस्पेक्ट हम लोग इसको देख रहे हैं। कहाँ गया ये, हाउ ए थंडर स्टॉर्म बिकम ए साइक्लोन, ये टॉपिक हम लोग देख रहे हैं। हमने बताया 7 का साइंस के बुक का ये 8वां चैप्टर है। कह रहा है यहाँ पे कि हाउ ए थंडर स्टॉर्म जो है ये कैसे ये साइक्लोन हो जा रहा है, ये हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि यू नो दैट वाटर रिक्वायर हीट, वाटर क्या है, वाटर को किस चीज़ की ज़रूरत है, हीट की ज़रूरत है। व्हेन इट चेंज इनटू लिक्विड टू वेपर स्टेट, कह रहा है कि यू नो दैट वाटर रिक्वायर हीट, वाटर को ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, हीट की ज़रूरत है। किस चीज़ कब ज़रूरत है इसको, कि लिक्विड से जब ये वेपर स्टेट में जाएगा, लिक्विड से वेपर स्टेट में जाएगा तब इसको क्या चीज़ की ज़रूरत है, इसको हीट की ज़रूरत है, इसको हीट की ज़रूरत है। करेक्ट, डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कॉन्डेंस इनटू लिक्विड, कह रहा है कि वाटर क्या हीट फिर दोबारा देगा, वाटर क्या है हीट, गिव बैक हीट व्हेन वेपर जो है ये कॉन्डेंस करेगा और क्या बनाएगा, लिक्विड। तो क्या यहाँ से हीट फिर दोबारा लिख लेगा क्या, कैन यू रिकॉल एनी एक्सपेरिमेंट टू सपोर्ट दिस, इसको बताने के लिए क्या कोई आप एक्सपेरिमेंट बता सकते हैं। यहाँ बता रहा है स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन, ये साइक्लोन जो है क्या होता है, कैसे होता है, साइक्लोन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। कह रहे सेंटर ऑफ ए साइक्लोन इज ए कॉम, कॉम एरिया, द इट इज़ कॉल्ड आई ऑफ द स्टॉर्म, ए लार्ज साइक्लोन इज अ वायलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ एयर इन द एटमोसफेयर 10 to 15 किलोमीटर हाई। कह रहा है कि लार्ज साइक्लोन क्या होता है, लार्ज साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन क्या होता है, लार्ज साइक्लोन हम लोग किसको कहेंगे, ये रोटेटिंग मास होता है, क्या होता है, ये रोटेटिंग मास ऑफ एयर होता है, मास ऑफ एयर कहाँ पे, इन द एटमॉस्फेयर, कहाँ पे, ये कितने ऊंचाई पे होता है, तो कह रहा है 10 से 15 किलोमीटर हाई। कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द आई वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर, ये 10 to 30 किलोमीटर वेरी कर सकता है। इट इज़ ए रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड हैज़ लाइट विंड्स, इसमें क्या होता है, लाइट विंड्स ये होता है। आगे बता रहा है अराउंड दिस कॉल्म एंड क्लियर आई, ये कॉल्म और क्लियर आई जो है इसके बारे में ये बता रहा है, कॉल्म एंड क्लियर आई फिगर 8.12 देखना है। देर इज ए क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज, ये क्लाउड रीजन होता है, क्लाउड रीजन कितना होता है, 150 किलोमीटर इन साइज होता है। करा इन दिस रीजन देर इज ए हाई स्पीड विंड, हाई स्पीड विंड कितना होता है, 150 से लेके 250 किलोमीटर प्रति घंटा। करें यहाँ पे कि थीक क्लाउड है, काफ़ी मोटा बादल है, थीक क्लाउड विथ हैवी रेन, ज़बरदस्त बरसात होती है। कह रहा है कि अवे फ्रॉम दिस रीजन विंड्स स्पीड
ग्रेजुअली डिक्रीज आस्ते आस्ते कम होता है विंड का स्पीड. द फॉर्मेशन ऑफ ए साइक्लोन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. ए मॉडल इज गिवन इन 8.11 में इसका मॉडल दिया हुआ है. इसको देखेंगे हम लोग. कह रहा है बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड फॉर्मेशन बादल बनने के पहले वाटर टेक अप हीट, वाटर जो है हीट लेता है. कहाँ से हीट लेता है? फ्रॉम एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से हीट लेता है. टू चेंज इनटू वेपर, ये वेपर में बदलता है. कह रहा है कि व्हेन वाटर वेपर चेंज बैक टू लिक्विड, जब वाटर वेपर जो है दोबारा लिक्विड में ये बदलता है, फॉर्म ए रेनड्रॉप, ये रॉनड्रॉप बनाता है. कह रहा है कि दिस हीट जो है रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर, इनटू रिलीज टू द एटमॉस्फेयर, ये कहाँ रिलीज होता है हीट? एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है. कह रहा है कि दिस हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म द एयर अराउंड, ये क्या करता है? जो हवा है आसपास उसको गर्म करता है. एयर अराउंड, जो हवा है उसको गर्म करता है. तो हवा गर्म करता है तो क्या होता है? द एयर टेंड टू राइज, हवा गर्म होने से ऊपर उठने लगता है. एन काउज ए ड्रॉप इन प्रेशर, उस समय क्या होता है? प्रेशर कम हो जाता है. प्रेशर कम होने से क्या होता है? मोर एयर रशेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, ज़्यादा जो है एयर आने लगता है. कहाँ आने लगता है? सेंटर ऑफ स्टॉर्म पे एयर आने लगता है. कह रहा है कि दिस साइकिल इज रिपीटेड, ये साइकिल बार बार रिपीट होता है, ये बार बार रिपीट होता है. कह रहा है द चेन ऑफ इवेंट्स एंड विथ फॉर्मेशन ऑफ ए वेरी लो प्रेशर सिस्टम विथ वेरी हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड इट. आगे कह रहा है इट इज दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल ए साइक्लोन. कह रहा है कि फैक्टर लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन. क्या क्या फैक्टर हैं जो साइक्लोन को प्रभावित करता है? फैक्टर क्या क्या हैं जो साइक्लोन को प्रभावित करता है? तो कह रहा है ये विंड का स्पीड हो सकता है, विंड का डायरेक्शन हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकता है. ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन, ये साइक्लोन के डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करती हैं. अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये डायग्राम ये बनाया हुआ है. यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है कि एयर जो है ये ऊपर जा रही हैं. एयर कहाँ? ये एयर ऊपर जा रही हैं, ये एयर ऊपर जा रही हैं, एयर ऊपर जा रही हैं. फिर जो है एयर जो है ये ऊपर जा रही हैं. तो यहाँ से ये दिखा रहा है कि ये एयर जा रहा है ये, और यहाँ से ये बीच में दिखा रहा है कि वर्षा हो रही है, पानी ये आ रहा है, ये दिखाया हुआ है. यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्शन इन विच साइक्लोन मूविंग, ये दिया हुआ है कि साइक्लोन जो मूव कर रहा है उसका ये डायरेक्शन है. इसके अलावा ये बता रहा है कि राइजिंग एयर, एयर जो है ऊपर जा रही है, गर्म होके हवा ऊपर जाती है. इसके बाद जो है आउटफ्लो हो रहा है, यहाँ पे आउटफ्लो, पानी जो है नीचे बरसात हो रही है, सिंकिंग एयर, सिंकिंग एयर. और यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा है स्ट्रीम फ्लो, ये स्ट्रीम का फ्लो दिखाया हुआ है. और इस तरह से यहाँ पे है गेल्स, यहाँ पे लिखा है यूरिकेन विंड्स गेल्स ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, गेल्स ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, ये 10 से 30 किलोमीटर यहाँ पे ये दिखा रहा है. तो फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन के बारे में ये डायग्राम दिया हुआ है. इसको देख के
उतारने की कोशिश हम लोग करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है इमेज ऑफ द आई ऑफ ए साइक्लोन, ये दिया हुआ है इमेज ऑफ द आईज ऑफ साइक्लोन दिया हुआ है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे राइजिंग वाटर कॉज्ड बाय साइक्लोन, साइक्लोन से क्या है राइजिंग वाटर, ये हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग देख रहे हैं डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन, क्या क्या ये डिस्ट्रक्शन होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।